ना, वियना ईयर इंपॉर्टेंट ईयर 1815, वन मार्क अकॉर्डिंग लर्न करो 1815, एंड दिस वियना कांग्रेस, इसको वियना कांग्रेस भी कहते हैं। कांग्रेस यहाँ पे मतलब पार्टी नहीं है, यहाँ पे कांग्रेस का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ ग्रुप ऑफ कंट्रीज और ग्रुप ऑफ पीपल भी कह सकते हैं। अभी तो मैं जस्ट आपको ग्लिम्स बता रही हूँ, क्वेश्चन जस्ट आपको पहले इसको ना पैराग्राफ, ट्रीटी ऑफ वियना, ठीक है, क्योंकि मैंने डिटेल में जब करवाया था, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है इसमें, ईयर या वियना कांग्रेस, ठीक है। एंड दिस वियना कांग्रेस वॉज होस्ट, कौन मतलब मीटिंग को होस्ट किसने किया, ड्यूक मेटरनिक, कौन थे ये, ऑस्ट्रिया के चांसलर थे ड्यूक मेटरनिक। कौन थे ये, कंजर्वेटिव्स, क्या चाहते थे, कंजर्वेटिव आइडियाज को लाना, एंड फॉर दैट व्हाट ही डिड, दीज कंट्रीज मेट एट वियना, ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया, ये कंट्रीज कौन थी, दीज कंट्रीज हु पार्टिसिपेटेड इन बैटल ऑफ वाटरलू इन 1815, and in this battle Napoleon Bonaparte was defeated. After defeating Napoleon Bonaparte, the delegates of these countries met at Vienna, aur is Vienna Congress ka matlab Vienna meeting hui thi, aur is meeting ko host kisne kiya, Duke Metternich, Austria ke chancellor the, and agenda kya tha, main agenda was to demilitarize powers of France and to bring conservative order back. इसीलिए इसको कहते हैं न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर, न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर। अल्टीमेटली इनका मोटिव क्या था, कंजर्वेटिव ऑर्डर को वापस लाना, एंड फॉर दैट व्हाट दे डिड, दे रीस्टोर मोनार्की एंड बर्बन डायनेस्टी, जो लुई 16 की डायनेस्टी थी, उसी डायनेस्टी में से लुई 16 के रिलेटिव थे लुई 18, लुई 18, ही वॉज डिक्लेयर्ड एज मोनार्क ऑफ फ्रांस इन 1815, यानी कि अब 1815 में पूरे फ्रांस का कंट्रोल किसके हाथ में था, बर्बन डायनेस्टी, और ये एक नया ऑर्डर जो आया इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव ऑर्डर। कंजर्वेटिव ऑर्डर का मतलब क्या है, ओल्ड ट्रेडिशंस, इंटरफेरेंस ऑफ चर्च, जो पुराना एस्टेट सिस्टम जो में जो होता था, यानी कि फ्रांस के रेवोल्यूशन में लोगों ने जो एफर्ट्स किए, जितनी मेहनत की, ऑल इन वेन, और 1815 से फिर से कंट्री में मोनार्की सिस्टम जो है वो स्टार्ट हो। अब फ्रांस की बहुत सी टेरिटरीज जो थी उनको ऑक्यूपाई कर लिया गया, कैप्चर कर लिया गया, एंड सेंसरशिप, यानी कि जो सेंसरशिप होती है जो पहले फ्रांस में खत्म हो गई थी, दिस सेंसरशिप वॉज री इम्पोज इन द फ्रांस। नाउ पीपल वर नॉट फ्री टू अपोज मोनार्की सिस्टम, अर्लियर दे वर फ्री बट नाउ दे वर नॉट फ्री। तो 1789 के बाद फ्रांस में जो भी कुछ हुआ 1815 में वो सारा फिर से चेंज हो गया, ठीक है। और 1815 से फाइनली कितना टाइम लगा फ्रांस में फिर से रिपब्लिक सिस्टम आने में, 1815 to 1848, ठीक है। अब हमने पूरा टाइम पीरियड पढ़ना है कि 1815 से लेकर 1848 के बीच में फ्रांस में क्या क्या हुआ, ये हमने पढ़ा था अलग अलग रिवोल्ट्स, फ्रांस में अलग अलग रिवोल्ट्स हुए थे ना, जो हमने पढ़े थे हंगर हार्डशिप, एक मिनट बता, हंगर हार्डशिप या एज ऑफ 1830 to 1848, क्लियर। तो वन मार्क के लिए याद रखो ईयर 1815, ट्रीटी ऑफ वियना वॉज होस्टेड इन विच ईयर, then who hosted, Duke Metternich, कौन थे ये, Austrian Chancellor, which countries participated in Treaty of Vienna, Britain, Russia, Prussia and Austria, what was the main idea to brought conservative system back, which dynasty was restored, Bourbon dynasty, and what changes after 1815, क्या क्या change आया, number one, एक तो आपने बताना censorship was abolished, censorship was imposed, re-imposed, and second आपने बताना है freedom of citizens were taken back, freedom of citizens were taken back,
क्योंकि मनार्की सिस्टम आ गया तो लोगों की जो फ्रीडम्स थी या एक्सप्रेशन या जो भी वो बुक्स लिखते थे, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, देन देयर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वॉज टेकन बैक. ये आपने इसमें मेन बताना, ठीक है. अब इसके अलावा एक और पैराग्राफ है आपका, जोसेफ मेजिनी. जोसेफ मेजिनी कौन थे? इटालियन रेवोल्यूशनरी. जब हम इटालियन यूनिफिकेशन हमने पढ़ा था तो हमने मेजिनी का भी रोल उसमें पढ़ा था कि ही प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल टू यूनिफाइड इटली, क्योंकि वो इटली को अलग अलग पैच वर्क में नहीं देखना चाहता था. और उसके लिए उसने क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन के नेम याद रखो, ही फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन यंग इटली एंड यंग यूरोप. यंग इटली एंड यंग यूरोप. बर्थ कब हुआ उनका? 1807. 1807 बर्थ इन 1807. ऑर्गेनाइजेशन के नेम यंग इटली, यंग यूरोप, सीक्रेट सोसाइटी. उन्होंने एक और सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, कार्बोनरी. सीक्रेट सोसाइटी कार्बोनरी. अल्टीमेटली उसका मेन टारगेट क्या था? मोनार्की सिस्टम को रिप्लेस करके डेमोक्रेटिक आइडियाज कंट्रीज में लेकर आना. लेकिन उस टाइम पे डेमोक्रेटिक आइडियाज को लोग वेलकम नहीं करते थे. सो दैट्स व्हाई ही वाज गिवन एग्जाइल, कंट्री से निकाल दिया गया. और इसलिए वो अपनी कंट्री के लिए कुछ खास नहीं कर पाए, ठीक है. देन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, हु रिमार्क मेजिनी एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर? ड्यूक मेटर्निक, क्योंकि दोनों एंटी है ना, ड्यूक मेटर्निक कंजर्वेटिव और मेजिनी जो थे वो डेमोक्रेटिक. तो यस, हु सेड दीज वर्ड्स दैट मेजिनी इज मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर, सोसाइटी के लिए सबसे बड़ा एनिमी. मेटर्निक ने किसको कहा था? मेजिनी को, ताकि लोग उसको हेट करें. मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर. हाँ जी. अब इसके बाद मैंने आपको बताया कि 1815 में सिटी ऑफ वियना हुई, ठीक है. इंपॉर्टेंट ईयर 1830, फ्रांस में फिर से रिवोल्ट हुआ, ठीक है. रिवोल्ट इन फ्रांस. इसमें क्या हुआ, लुइस 18 को रिप्लेस कर दिया गया और लुइस फिलिप ही बिकेम द रूलर ऑफ फ्रांस. लुइस फिलिप ही बिकेम द न्यू रूलर ऑफ फ्रांस. अभी भी कंट्री में मोनार्की सिस्टम था लेकिन बर्बन डायनेस्टी खत्म हो गई थी. लुइस फिलिप जो थे वो बर्बन डायनेस्टी से नहीं थे. 1830 में फिर से कंट्री में रिवोल्ट हुआ फ्रांस में एंड लुइस फिलिप वॉज रिप्लेस विद लुइस 18, ठीक है. फ्रांस में जो होता है उसका असर बाकी कंट्री में यूरोप में भी होता था. फ्रांस, व्हेन फ्रांस कैचेस कोल्ड रेस्ट ऑफ द यूरोप जो है, सॉरी, व्हेन फ्रांस नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड. ये किसने कहा था? ड्यूक मेटर्निक. तो ये स्टेटमेंट भी नोट करो, व्हेन फ्रांस नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड. अब फ्रांस में जो हुआ इसका असर जो है वो सेकेंड ब्रसल, सेम ईयर ब्रसल रिवोल्ट 1830. सिटी ऑफ वियना में बेल्जियम जो था वो उसको फ्रांस से अलग कर दिया था, ठीक है. एंड बेल्जियम जो था वो एक अलग किंगडम जो है, किंगडम ऑफ नीदरलैंड के अंडर कर दिया. नाउ इन 1830 people of Brussels or people of Belgium, they declared themselves as independent. Revolt हुआ and Belgium got independence. Belgium को क्या मिल गई? Independence. 1830 में Belgium जो था वो अलग हो गया, separate हो गया. तो first revolt याद रखना है आपने 1830, second revolt Brussels revolt. Long questions में ये पूरा आपका याद है question था, why from 1830 to 1848 is regarded as the age of revolution. उसमें मैंने आपको सारे revolutions डिटेल में करवाए थे.
अब आपने ईयर वाइज पता होना चाहिए कि इस ईयर में अगर ये रिवोल्ट हुआ था तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, ठीक है। इसके बाद एक और रिवोल्ट जो है वो बहुत फेमस इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में माना गया, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अदरवाइज ये पूरा क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता था, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीस पीपल वर अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमंस। अब कई बार क्या होता है ना, शॉर्ट क्वेश्चन करवाने के लिए आपको डिटेल भी करवाना पड़ता था ताकि आपको हर तरह की जो लाइंस किसी भी तरह से आए, ठीक है। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसमें सबसे पहले आप याद रखो, ग्रीस पीपल, द पीपल ऑफ ग्रीस, दे वर अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमंस। ऑटोमन बचे जैसे मुगल डायनेस्टी, ऐसे ही ऑटोमन, ऑटोमन एम्पायर नाम है, या हम ये भी कह सकते हैं डायनेस्टी का नाम था, मुगल्स थे जैसे मुगल्स थे, और ऑटोमन एम्पायर नाम से पता लगता है ये मुस्लिम, एंड दे कंट्रोल पीपल ऑफ ग्रीस, ये क्रिश्चियंस थे, से ही जो ग्रीक पीपल थे उनमें इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल स्टार्ट हो गया, रिवोल्ट, काइंड ऑफ रिवोल्ट, देवर रिवोल्टिंग फ्रॉम 1821 अगेंस्ट ऑटोमन एम्पायर। लेकिन इनको कोई खास, जिसे हम कहते हैं, सक्सेस नहीं मिला। एंड ग्रीस एक ऐसी कंट्री है जिसको क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। क्रेडल का मतलब होता है सेंटर, क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन, ऑटोमन मुस्लिम। वन मोर क्वेश्चन, विच कंट्रीज रिगार्डेड एज द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, ग्रीस, ग्रीस को क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन का, क्रेडल का मतलब होता है सेंटर, जिसके आसपास सारी कंट्री या इवेंट्स जो हैं घूमती हैं। 1821 में ये स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, लेकिन कुछ खास सक्सेस नहीं मिला। इस पर्टिकुलर रिवोल्ट में एक इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन का नेम बहुत फेमस है, जिन्होंने बहुत एफर्ट किए ग्रीस जो है उनको ऑटोमन से छुड़वाने के लिए। लॉर्ड बायरन फंड्स इकट्ठा किया, मनी इकट्ठी की, बट लेटर ऑन ही डाइड, उनकी डेथ हो गई, तो ग्रीस जो है वो कंट्री अभी भी ऑटोमन के अंडर ही थी। फाइनली इन विच ईयर ग्रीक पीपल दे गॉट इंडिपेंडेंस, एक चिटी हुई थी, इसको कहते हैं चिटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल, कॉन्स्टेंटिनोपोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चिटी है जिसके अंडर ग्रीस जो है वो ऑटोमन से सेपरेट हो गया, ग्रीस बिकेम इंडिपेंडेंट नेशन, सिटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल इन द ईयर 1832। अब अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता तो मैं आपको ये बोलती, बेटा राइट 5 लाइंस ऑन ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। नंबर वन, अर्लियर ग्रीस वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन। वन मार्क क्वेश्चन साथ साथ ही चल रहे हैं, ठीक है। और ये बाल्कन टेंशन में भी आपने ये पर्टिकुलर पढ़ा होगा ना, बाद में हम पढ़ेंगे इसको। देन सेकंड, फिर मैंने ये बताया आपको कि देयर स्ट्रगल स्टार्टेड फ्रॉम 1821, उन्होंने एफर्ट्स किए बट दे वर नॉट सक्सीडेड। थर्ड बताना है कि ग्रीस की पूरे यूरोप में इतनी इंपॉर्टेंस थी कि इसको क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता था, एंड क्रिश्चियन जो थे वो मुस्लिम्स के अंडर थे, सो दैट्स व्हाई दे वांटेड फ्रीडम फ्रॉम देयर कंट्रोल बिकॉज दे वर टॉर्चर्ड, ठीक है। ये आपने जो है रोमांटिसिज्म में, मैंने आपको एक पिक्चर बताई है, डेला क्रॉस ने एक पेंटिंग बनाई है जिसमें ग्रीस के लोगों को कैसे टॉर्चर किया गया, वो पेंटिंग में भी दिखाया गया है, ठीक है, हाउ दे वर एक्सप्लॉयटेड। सेम ऐसा ही है कि जब वहां के लोग हमारे जलियांवाला बाग की फोटोज को देखें तो उनको ये पता लगेगा कि कैसे इंडियंस को ब्रिटिशर्स ने जो है वो एक्सप्लॉयट किया, ठीक है। इसके बाद लॉर्ड बायरन का कॉन्ट्रीब्यूशन, दैट ही कलेक्टेड फंड्स बट नॉट सक्सीडेड, ही डाइड। फाइनली इन 1832 इन द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल ग्रीस बिकेम इंडिपेंडेंट नेशन एंड ऑटोमन एम्पायर से ही सेपरेट हो। क्लियर, इट इज क्लियर। हाँ जी, इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रोमांटिसिज्म, रोमांटिसिज्म।
अब लॉन्ग क्वेश्चन में बच्चे इसको हम पूरा करते थे कि रोमांटिसिज्म में क्या आता है, हमने बताना है रोल ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर, कि किसी कंट्री में पोइम्स, पोएट्स, स्टोरीज या पेंटिंग्स नेशनलिज्म की फीलिंग को बढ़ाने में क्या कंट्रीब्यूशन जो है वो देती हैं, और एक ऐसी मूवमेंट जिसमें लोगों ने पोइम्स बना लिखनी शुरू की, स्टोरीज लिखना शुरू किया, उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं बेटा, रोमांटिसिज्म। तो रोमांटिक आर्टिस्ट कौन होते हैं, जो प्लेज लिखते हैं, सॉन्ग्स लिखते हैं, क्योंकि हम कहते हैं ना पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, एक पेन की जो जो पावर होती है वो स्वॉर्ड से भी ज्यादा होती है। हम किसी भी लिटरेचर को पढ़ के रिपोर्ट लेकर आ सकते हैं, जैसे आपने फिलोसफर्स की बुक्स का पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन। सो रोमांटिसिज्म में सबसे पहले डेलाक्रॉस, मैंने अभी आपको अभी बताया, जैसे डेलाक्रॉस पेंटिंग, इसमें उन्होंने ग्रीस के लोगों की पेंटिंग बनाई है, कैसे उनके ऊपर ऑटोमन्स ने एक्सप्लॉयटेशन की थी। रेस्ट आई विल डिस्कस नेक्स्ट वीक बेटे, ठीक है।